लिटरली ओटी में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने कहा था इट्स अ बॉय, मैंने बहुत एंजॉय किया था वो पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस है. एक्चुअली मैं भी एक प्रीमेच्योर बॉर्न हूँ तो मेरी मम्मी बहुत रिलेट कर रही थी. बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट काफी ठीक हूँ. ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन है बट वो हीलिंग पीरियड तो होता ही है 6 से 8 हफ्तों का फॉर द यूट्रस, दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड मी. एंड बाकी ये है और सब लोग हैं, ख्याल रख रहे हैं मेरा. एंड दिन में 2 बार जब हम जाते हैं छोटों को देखने के लिए तो वो एक हमारा एक वो एनर्जी डोज होता है. हाँ, एक अलग ही फीलिंग होती है सच में कि हालांकि इट्स नॉट अ गुड साइट ऐसे देखना, इट्स नॉट अ गुड साइट, तब भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं जाओ. मैं आई थिंक मैं एक दिन पूरे 24 घंटे में नहीं गया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और उसे देखूं. क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं उस तरीके से देखूं. बट यू नो वो बोलते हैं कि नहीं आप जाओ, उसको टच करो, उसको अपना टच दो, उसको अभी से एहसास होगा कि अच्छा ही वो. तो हम जाते हैं और बस वही, जैसे मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के इम्प्रूवमेंट काफी है और इंशाल्लाह बस धीरे धीरे से इम्प्रूव होता जाएगा. प्रीमेच्योर बॉर्न हूँ तो मेरी मम्मी बहुत रिलेट कर रही थी उस दिन रात में कि बिल्कुल जैसे दीपिका हुई है वैसा ही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है. ऐसे ही मैं बहुत प्रीमेच्योर हुई थी. छोटू तो थोड़ा सा भी हमारा जो है थोड़ा बेटर एज में आया है बट बिकॉज तो 7 मंथ में हुई थी ना, मैं 7 मंथ में हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा है, मैं काफी करीब तो उसने मैं नहीं तो उसने मम्मी का तरीका अपनाया है क्या. हाँ. डॉक्टर इससे पूछती हैं क्या बोलते हो दीपिका, क्या होगा बॉय और अ गर्ल, एंड ये वहीं पे मैम गट फीलिंग है बॉय होगा, मैम गट फीलिंग है बॉय है, गट फीलिंग है बॉय है. 5 मिनट में डॉक्टर्स बोलती है मुबारक हो इट्स बॉय. तो वो ये वहां पे मतलब लिटरली ओटी में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने कहा था इट्स अ बॉय, मैंने बहुत एंजॉय किया था वो पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस है, बहुत मैंने हल्ला मचाया है सच में सच में.